बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो विल बी फाइन। टुडे इज 10th अगस्त 2020, मंडे, लेक्चर नंबर 23 एंड योर डायरी इज रीडिंग बुक पेज नंबर 82 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 82। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व, हम कहते हैं महफूज रखने को, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है वो हम लोग देखते हैं। अबाउट 100 years ago अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स, कहते हैं कुछ साल पहले की बात है कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। दे कंक्लूड डैट, उन्होंने क्या नतीजा अख़ज़ किया उससे, एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्राम वन फॉर्म टू एन अदर, कि ना तो एनर्जी पैदा होती है ना ही एनर्जी ख़त्म होती है। होता क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, इंटर कन्वर्ट होती रहती है, वो कंजर्व ही रहती है। यानी कि वही एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में चली जाएगी, फिर आगे से वो एनर्जी किसी और फॉर्म में चली जाएगी, बल्कि ख़त्म नहीं होगी और ना ही दोबारा से पैदा होगी। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये बात कही। दिस फैक्ट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस हकीकत को, इस फैक्ट को उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया, उन्होंने इसको एक लॉ का नाम दे दिया, एक कानून का नाम दे दिया। उस कानून को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी के कंजर्व रहने का जो लॉ है कि एनर्जी कभी भी पैदा नहीं होगी और ना ही कभी ख़त्म होगी। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। कंसीडर आप पेंडुलम, उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर करें कि आपके पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम किसे कहते हैं, अ हैंगिंग बाल स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, एक बाल हैंगी हुई है और वो आगे पीछे मूव करती है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये बाल है, ये देखें नीचे इसको हैंग किया हुआ है। इस बाल को हम मूव करवाएंगे, ये कभी आगे मूव करेगी और कभी पीछे मूव करेगी। व्हेन द बाल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, कहते हैं अगर बाल रुकी हुई है, द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का हमने पीछे पढ़ा है। जो मूविंग एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बात की है, अब ये यहाँ से हैंगिंग इसकी स्टार्ट हुई है ना बाल की, यहाँ से यहाँ तक इसकी, इसका जो पॉइंट बन रहा है ना, ये जो फासला बन रहा है वो हाईएस्ट है डिफरेंस इसका यहाँ से यहाँ तक। तो वो कह रहे हैं जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है स्विंग, यानी कि जब वो रुकी हुई है, तो इसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है। When the ball stops for a moment at the highest point in its swing, it has no kinetic energy. अभी रुकी हुई है, stop है, इसके अंदर energy stored है, तो इसमें kinetic energy पाई जाएगी, नहीं। कहते हैं इसके अंदर तब kinetic energy नहीं होगी, तब इसके अंदर energy stored होगी, और stored energy कौन सी है, potential energy। अभी जब ये यहाँ से यहाँ तक अपने highest point पे और रुकी हुई है, इसमें kinetic energy नहीं है। द energy is all potential, इसमें जितनी भी energy है वो सारी की सारी potential है, stored energy है इसमें। When it comes down at the lowest point on its swing, its speed is greatest. जब इसकी हम स्पीड ज़्यादा करेंगे, इसको ऐसे मूव करवाएंगे अपने हाईएस्ट, ये पहले इसका हाईएस्ट पॉइंट था, जब ये यहाँ पे हम इसको लेके आए, अब यहाँ पे देखें इसका पॉइंट क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ पे इसका यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कम हो गया, और यहाँ से जब वो मूव करके यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसका डिफरेंस कम है, इसलिए वो कह रहे हैं द यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट, जब वो लोएस्ट पॉइंट पे आती है ऑन इट स्विंग इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट, और जब लोएस्ट पॉइंट पे होगी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो मूव कर रही होगी ऐसे ऐसे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी उसकी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, इसके अंदर होगी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, जब ये बाल यहाँ पे, जब ये स्टॉप थी, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक में। तो यहाँ पे देखें जब वो यहाँ पे है, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है। क्यों, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे रेस्टिंग पोजिशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, इन दोनों पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नहीं होगी। द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक, दोनों पॉइंट पे उसकी एनर्जी काइनेटिक होगी, क्योंकि वो मूव कर रही है और मूविंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। द पेंडुलम कीप्स स्विंगिंग चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब जो पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है, वो झूल रहा है,
यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो कह रहे हैं इसकी एनर्जी पहले मतलब स्टॉप है, स्टॉप से फिर वो मूव किया, स्टॉप स्टॉप था पोटेंशियल एनर्जी थी, मूव किया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो वो कह रहे हैं इसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन है कॉन्स्टेंट, एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, ना तो प्रोड्यूस हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इस एग्जांपल से भी हमें पता चल गया कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे ख़त्म हुई है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, रहती कंजर्वड ही है। वेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पेंडुलम स्टॉप्स इट्स स्विंगिंग, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी, कहते हैं जब थोड़ी देर बाद ये स्विंग करना स्टॉप कर देगा, इसकी एनर्जी के साथ क्या होगा? इज दिस एनर्जी लॉस्ट, क्या इसने अपनी एनर्जी खो दी है? नो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नॉट बी मेड आर नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स सिंपली चेंज इट्स फॉर्म्स। कहते हैं कुछ देर बाद जब पेंडुलम जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब ये रुका है तो तब भी इसके अंदर एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। इन केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिंग एंड द बॉल। कहते हैं जब वो मूव कर रहा होता है, इसके मूव करने से इसकी कुछ इसकी थोड़ी सी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में भी चेंज होती है। जब वो हीट एनर्जी में चेंज होगी तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो साथ में बाल का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। हीट डिसिपेट्स इन द एटमोसफेयर, और साथ में हीट भी एटमोसफेयर में क्या होगी? ज़ाया होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट देखें, व्हेन वी ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ दिस प्लेन इट स्ट्रेचेस द रबर बैंड, द रबर बैंड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट, हाउ विल दिस एनर्जी बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे देखें डायग्राम, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास एक प्रोपेलर है, ठीक है, उन्होंने कहा कि इट स्ट्रेचेस द रबर बैंड, यहाँ पे रबड़ उसकी लगी हुई है, आप उसके रबड़ बैंड को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे टॉयज होते हैं उनके पीछे रबड़ बैंड लगा होता है, जब जैसे ही आप उनको पीछे से ऐसे स्ट्रेच करते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं पहले इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसकी एनर्जी के साथ क्या होगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। साथ में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 3 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो वो इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा हुआ है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो जो आज हमने पढ़ा ये वही वाला है, आपने मार्क करना है इसको यहाँ से। ये देखें, इनर्जी के नॉट बी मेड, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ तक आपका आएगा एटमोसफेयर तक, और ये जो डायग्राम है ये भी साथ ही इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखें, डोंट बी अफ्रेड व्हेन यू रिमूव द लिड ऑफ द बॉक्स गिवन टू यू बाय योर फ्रेंड। कहते हैं आपके पास एक बॉक्स है, उसका जो लिड है जब आप उसको उतारते हैं तो उसको उतारते हुए खौफजदा ना हो। यू आर टेरिफाइड व्हेन द जैक इन द बॉक्स स्प्रिंग्स अप। कहते हैं कि जब ये देखें ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये जैक है, इसके कहते हैं जब आप इसको खोलते हैं तो आप ऐसे एकदम से डर जाते हैं। कहते हैं आपने डरना नहीं है, इनफैक्ट अ जैक इन द बॉक्स हैज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो वो एकदम से बाहर को आता है, ठीक है। तो कहते हैं इसके बारे में आप लोगों ने होप ज़्यादा नहीं होना। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।